एक बड़ी बैठक नरेंद्र मोदी के विरोध में अगर विपक्षी दलों की चल रही है तो तैयारी शाम की भी है, जब एनडीए विभिन्न अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक करेगा। ये बड़ी बात है कि पटना से बेंगलुरु आने में सिर्फ 24 दिन लगे। बेंगलुरु के ताज होटल में विपक्ष का जमावड़ा जमा, तो वो तमाम चेहरे दोबारा मौजूद थे जो पटना में जुटे थे। सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में सोनिया गांधी बेहद एक्टिव दिखी। बड़े नेताओं की कतार में सोनिया सबसे केंद्र में बैठी दिखी। उनके एक तरफ खड़गे थे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, ममता के बाद राहुल गांधी बैठे नजर आए। ममता और सोनिया के बीच लगातार बातचीत भी होती रही। खड़गे की बगल वाली सीट पर नीतीश थे, फिर पवार और फिर लालू के साथ साथ केजरीवाल बैठे दिखे। नीतीश की मुद्रा गंभीर थी, केजरीवाल भी गंभीर दिख रहे थे, लालू सहज दिख रहे थे। दोनों ने देश बचाने की बड़ी बात कही। देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट अ चांस टू रूल द कंट्री फॉर द लास्ट 10 years एंड ही हैज मेड अ कंप्लीट मेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इन द कंट्री। He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. विपक्ष के 26 दल इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। राहुल गांधी के बगल में इस बैठक में स्टालिन बैठे थे, फिर अखिलेश, रामगोपाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव थे। वरिष्ठता के हिसाब से कतार में सीटों का प्रबंधन दिखा, लेकिन असली प्रबंधन तो 2024 के चुनाव में दिखने की जरूरत है, जिसके लिए बैठक बैठी है। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है, जो नागपुर से चलती है, उसकी बात की जानी है, इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ देख सकते। बैठक में खड़गे ने पीएम पद की दावेदारी को किनारे कर देने की दलील दी। कांग्रेस की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की कि पीएम पद की दावेदारी को लेकर उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। लालू ने सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी से परहेज रखने की सलाह दी। बेंगलुरु से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।